हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर पेमेंट रिसीव करने की एंट्री कैसे पास की जाएगी और उसके भी पहले सेल्स की एंट्री कैसे पास होगी, आइए देख लेते हैं। यहां पर अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, ये अकाउंटिंग वाउचर है, एंटर प्रेस किया, ये आ गए अकाउंटिंग वाउचर में। अभी हमको यहां पर सेल करने की एंट्री पास करनी है। कुछ आइटम्स हमारे पास पहले से मौजूद होंगे जिनको हम सेल करके देखेंगे, तो यहाँ पर F8 प्रेस कर सकते हैं सेल्स वाउचर में जाने के लिए। और यहाँ पर आइटम इनवॉइस मोड में रहते हुए रेफरेंस नंबर डाल करके एंटर करेंगे और यहाँ पर डेटर पार्टी का लेजर आएगा, तो यहाँ Alt C करके आप डेटर पार्टी का लेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर देता हूं मैं बबलू डेटर, तो ये बबलू लिखा और डेटर पार्टी यानी डी दे दिया, यानी शाइन दे दिया कि हाँ ये पता चलता रहे कि ये डेटर पार्टी है। यहाँ से संडी डेटर हम ग्रुप चूज कर लेंगे, ये संडी डेटर ग्रुप चूज किया, फिर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस रखते हुए आगे बढ़ते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर यहाँ पर एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे और एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे लगा दिया हमने सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट इस तरीके से आप लगा दीजिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। इसका ग्रुप क्या होगा? इसका ग्रुप होगा सेल्स, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जरूर रखिएगा, अगर आप ग्रुप चूज करने में गलती करेंगे तो एंट्रीज सही से नहीं हो पाएंगी, तो दिक्कत होगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर वो आइटम्स देखने हैं जो जो हमारे पास मौजूद है। तो सपोज कीजिए एक लैपटॉप हमें दिख रहा है, शायद वही मौजूद है, तो उसी को हम सेल करने वाले हैं, तो चलिए उसको सेल करते हैं, देखते हैं कितना आइटम लैपटॉप का मौजूद है हमारे पास। तो ये लैपटॉप में आए, अगर मैं एक आइटम लेता हूं तो भी ये नेगेटिव स्टॉक बोल रहा है, यानी कि हमारे पास कोई भी आइटम लैपटॉप का मौजूद नहीं है। पहले हम परचेज में एंट्री पास करेंगे, फिर हम जाकर के सेल्स में एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये आए परचेज में, और परचेज में आने के बाद यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला, एंटर प्रेस किया, इसी डेट पर होगी परचेजिंग। यहाँ पर कैश में परचेजिंग कर लेते हैं, यहाँ पर सप्लायर पार्टी का नाम आएगा, अगर आप कैश में कर रहे हैं तो सप्लायर पार्टी का नाम आएगा, तो यहाँ पे गौरव कुमार ये डाल देता हूँ सप्लायर पार्टी का नाम, एंटर प्रेस करेंगे, इसका एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा, स्टेट सेम रखते हैं, उत्तर प्रदेश रखते हैं। यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देंगे, कुछ इस तरीके से लिखिएगा परचेज और फिर लिखिएगा अकाउंट, तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट, और फिर यहाँ पर ये परचेज के अंडर में चला भी जाएगा। तो ये परचेज के अंडर में डाल करके एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट, ये हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लैपटॉप की, लैपटॉप था तो यहाँ पे 60 लैपटॉप की बात करते हैं और यहाँ पे रेट डाल देते हैं 50,000 रुपए, तो ये रेट भी हमने डाल दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर जीएसटी लगाना है, तो जीएसटी क्या एक्टिवेट है, पहले हमको देखना होगा, चेक करना होगा कि जीएसटी एक्टिवेट है या नहीं, तो यहाँ से हम एक्टिवेशन चेक करेंगे, यहाँ से तो चेक नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से पहले बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ गए, यहाँ से हम चेक करेंगे, F11 की प्रेस करेंगे और यहाँ से देखेंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाके, ये देखिए जीएसटी नो है, तो इसको यस कर देंगे और यहाँ से सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को यस करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जीएसटी आईएन नंबर पड़ जाएगा, तो ये जीएसटी आईएन नंबर डाल दिया, एंटर प्रेस किया, टैली इसको वेरीफाई करता है, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आकर के इसको यस कर देंगे ताकि हम यहाँ पे जीएसटी को निर्धारित कर सकें कि बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट जीएसटी हम लगाएंगे, तो यहाँ पे 18% लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लिया, कंट्रोल ए करेंगे पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम वापस से चलते हैं कहाँ, परचेज वाउचर में, तो यहाँ बी प्रेस करके आगे परचेज वाउचर में कुछ सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पर कैश में कैश रख करके और यहाँ पर जो भी पार्टी है उस पार्टी का नाम हम लिख देंगे, जैसे मान लीजिए राम सिंह ये पार्टी का नाम है, ठीक है, जो की क्रेडिटर पार्टी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश रख करके रेगुलर रख देते हैं, रेगुलर रेगुलर रख दिया, एंटर करेंगे, यहाँ पर आएंगे परचेज अकाउंट का लेजर लगाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं लैपटॉप की, लैपटॉप था हमारे पास तो लैपटॉप ले लिया हमने और यहाँ पर क्या करेंगे 40 लैपटॉप परचेज करेंगे, तो ये 40 लैपटॉप हो गया और यहाँ पर एक लैपटॉप की कीमत है 50,000 रुपए, तो ये डाल दिया 50,000, तो बाकी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे क्योंकि सेम स्टेट का मामला है, तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे लगाया जाएगा, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स का लेजर बना रहा हूँ और इसे डालेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जो भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स होते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाते हैं, सेंट्रल टैक्स करके यहाँ पर आकर के और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे इसको, तो यहाँ पर देख सकते हैं सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया। अब बात करते हैं SGST की, Alt C करके SGST का लेजर भी बना लीजिए, SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, यहाँ पर जीएसटी करेंगे और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टेट टैक्स कर देंगे, स्टेट टैक्स करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नरेशन डालना है, नरेशन में क्या डालेंगे, द गुड्स कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, परचेज्ड, ओके,
ये हो गया एक्सेप्ट करा लिया इसको। तो ये तो परचेज की एंट्री हो गई, लेंगे यहाँ पर सेल्स की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद रिसिप्ट की एंट्री। तो सेल्स वाउचर में आ गए, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दिया, एंटर किया। यहाँ पर एक डेटा पार्टी हमने बना रखा था तो उसी को ले लेते हैं। डेटा पार्टी का लेजर लगाने का मतलब ये उधार की सेलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या करेंगे, लैपटॉप ले लेंगे। तो ये लैपटॉप ले लिया, 40 लैपटॉप है, हम इसमें से 30 लैपटॉप सेल कर देंगे और एक लैपटॉप की कीमत रखेंगे 70,000 रुपए, यानी एक लैपटॉप पे 20,000 फायदा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर आएंगे सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी लगाना है यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट लग जाएगा अपने आप, ठीक है, जो आया था उसी के हिसाब से ये लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द गुड्स हैव बीन नरेशन में सोल्ड, सोल्ड यानी बेच दिया गया, ठीक है, एक्सेप्ट करा लिया। अब जो ये उधारी में माल बेचा गया उसके पैसे की प्राप्ति आपको होनी है, पैसा प्राप्त होगा, पैसा रिसीव करेंगे ना कि फ्री में बेच देंगे, तो पैसा जो रिसीव करना है उसकी एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। अगर वहां पर बात करते हैं, वहां पर तो हमने कैश कर लिया था परचेज में, अगर हम क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा देते तो वहां पर पैसा पेमेंट करना होता, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पैसा रिसीव करना है। तो F6 प्रेस कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर में आने के लिए। अब ये डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में आ रहा है, यहां पर कैसे क्या करना है वो बता देता हूं आपको। देखिए, जो डेटर पार्टी है, ध्यान दीजिएगा, जो डेटर पार्टी है यानी ये जो डेटर पार्टी है, यहां पर आएंगे तो यहां पर कुल मिला करके 24,78,000 रुपए यहां पे आ रहे हैं। तो यहां पर हम 24,78,000 रुपए डाल देते हैं ताकि ये पैसा पेमेंट हो जाए, यानी कि ये डेटर पार्टी द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बैंक से पेमेंट करना है, चेक से पेमेंट करना है, जो भी है। तो यहाँ अल्ट सी करके एक लेजर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने इसमें कोई भी रिसीविंग इस बैंक में कराया नहीं है, ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, कौन से अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये बैंक अकाउंट हो गया, यहां पर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, ठीक है, ये बैंक अकाउंट नंबर हो गया, एंटर करेंगे, आईएफएससी कोड वगैरह जो भी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे चेकबुक इशू करना है, तो यहां पर किस नंबर से स्टार्ट होगा वो आपको देखना होगा, 1 2 3 4 5 6 ये कर लिया हमने, एंटर किया, और फिर यहां पे कर देते हैं 6 6 6 ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर कुल मिला के इतने चेक इशू हो गए, बबलू, ये हो गया, एंटर करेंगे। और यहां पर आकर के चेक की प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फिलहाल यहां पे छोड़ते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये एक्सेप्ट कराया हमने, तो यहां पे देख सकते हैं ये अब डेबिट हो रहा है, ये किया हमने। यहां पर एंटर करते हुए आएंगे, यहां पे बैंक का नाम डाल देंगे, स्टेट आएंगे तो ये स्पेसिफिक स्पेसिफाई बैंक नेम यहां पे करेंगे, STATE स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये डाल दिया, एंटर किया। और यहां पर एंटर करते हुए इसको करा लेंगे क्या, एक्सेप्ट, ठीक है, क्या कराएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये 24,78,000 रुपए पूरा रिसीव करा दिया गया,